ちろ、危ない。しまった。तो वेलकम द वीडियो एंड आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर के बारे में। और डीमन स्लेयर उन एनिमे से है जो कि जिसकी हाइपरनेस हमेशा इतनी बनी रहती है जिससे आप वीकली तो ना देख सकते हैं पर बल्कि इसमें स्पॉयलर कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यार जो हमारा हीरो है मतलब तांजीरो वो अपनी बहन को देखता है एंड उसकी बहन को देखता है, जैसे ही सामने देखता है तो उसके सामने डीमन होता है जो उसको ट्रोलिंग करने की कोशिश करता है। और हम चारों ओर देखते हैं कि जेन्यूसु और जो भी हसीरा रहते हैं वो सब बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और डीमन तांजिरो की उंगली को तोड़ देता है। वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करता है एंड ट्रोल इतना करता है कि तांजिरो वहाँ से अपनी बहन को लेके भाग जाता है। तभी डीमन उसको एक लात मारता और गुस्से में आके डीमन उसके सामने खड़ा होता है। वैसे हमारा हीरो तांजिरो अपनी सर की पावर दिखाते उसको एक बहुत चमके मारता है एंड उसको कट करने की कोशिश करता है पर डीमन नहीं मरता है एंड उसकी बहन उसकी हेल्प करने के लिए वो रहती है। जब ही जेन्यूसु निकल के उसकी बहन को बिल्कुल एकदम काटने वाला होता है जबकि उसको काट ही देता है पर बच जाती है। तभी डीमन हमारे हीरो तांजिरो को बिल्कुल एकदम अपने ब्लड आर्ट से बिल्कुल फ्री अप मतलब खुद को फ्री अप कर लेता है एंड जैसे ही उसको मारना रहता है वैसे ही हमारा हसीरा आता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ कट चुका है। उसके बाद भी वो लड़ने की पूरी कोशिश करता है। डीमन उसको देख के एकदम वो हो जाता है कि यार भाई ये जिंदा कैसे है एंड उनके बीच में बहुत लंबी फाइट चलती है बिकॉज उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट होती है और सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे यहीं का लगता है। तभी तांजिरो को हेल्प करने जाता है और उसको उसका जो डीमन का वो रहता है उसको लग जाता है और हम देखते हैं कि तांजिरो का जो मार्क होता है एकदम कितना खतरनाक हो जाता है एंड बहुत ही ये खतरनाक बहुत बढ़िया मोमेंट था जिसको हमने देख के बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और हम जब भी देखते कि इनोसुके भी हेल्प करने आ जाता है एंड आखिर में दोनों के सर भाई बहन जो रहते हैं डीमन उनके सर कट के आसमान में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ही अच्छा एपिसोड था और धीरे धीरे तांजिरो पर उसका असर हो रहा था पॉइजन का उसके हथियार का डीमन के। तभी एक देखते हैं कि डीमन अब एकदम से फट जाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।